अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फनलीशियस। और जैसे कि ये रैंडम सीरीज के साथ चल रही है, इसकी एपिसोड 2 है। आज तारीख है 9/11/2024 और मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ सैटरडे के दिन। तो मैं यहाँ छत पे आ गया था पानी वानी भरने, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो भी शूट कर दी जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह का है कि हम जैसे बचपन से हमें सिखाया जाता है यार बड़ों का अदब करो, अपने बड़े भाई की बात मानो, फना की बात मानो, जो आपसे बड़े लोग हैं उनकी बात मानो, हाँ में हाँ मिलाओ, हाँ में हाँ मिलाओ। बच्चे को इतना हाँ में हाँ मिला के मना नहीं करना बेटा, बुरी बात होती है। इतना उसको हम उसके माइंड में भर देते हैं कि हाँ ही कहना है हर चीज़ पर, कि वो आगे फ्यूचर में जाके जो है ना उस चीज़ उसके लिए नुकसानदेह होती है। तो मैं अपना ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने वीडियो के टाइटल में भी देख लिया होगा, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। और ये मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, बकायदा आप जो है मेरे साथ रहे। जी भाई, द आर्ट ऑफ सेइंग नो इसका मतलब ये है कि आप जो है, क्योंकि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता हूँ, तो वो मैं आपको बता दूँ कि आप हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो बड़े होके भी आप ऐसे हो जाते हैं कि आपको ऑफिस में, आपके दोस्तों की गैदरिंग में, या आपको कहीं पे भी इतना आपको काम दिया जाता है, या मतलब आपको आपका ये चीज़ जो है ना, जो पॉजिटिव पॉइंट हो सकता था वो नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, क्योंकि आप उन सबको पता चल जाता है यार ये मना नहीं कर सकता, इसको जो है ना ट्रिगर करते रहते हैं। तो अब आप उसको लीगली भी ट्रिगर करते हैं, इलीगली भी ट्रिगर करते हैं, कि आपको ऐसा भी इतना वो जो चीज़ आप नहीं करना चाहते वो भी आपसे ज़बरदस्ती करवा ली जाती है, यार इसको तो बोल ही देते हैं, ये तो कर ही लेगा, ये तो कर ही लेगा, ये तो कर ही लेगा, ये अब आप जो है ना मुंह पे मना नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी बचपन से पीछे से फाउंडेशन ऐसी बनी होती है कि आपसे मुंह पे मना नहीं होया जा रहा होता, जिसकी वजह से आप हाँ में हाँ मिला मिला के बड़े हो गए भी वही चीज़ का फिर नुकसान, वो जो चीज़ आप फ़ायदा दे सकते थे, क्योंकि आप जो है वो ड्यू रिस्पेक्ट के चक्कर में यार इनको तो हम मना नहीं कर सकते, तो इस चक्कर में आप उनसे फिर उनका काम ले लेते हैं, सारा काम उनका ही करना शुरू कर देते हैं, जो भी आपको बेटा ये कर दो वो कर दो, तो ये चीज़ जो है वो फिर आगे जाके आपके लिए मसले मसाइल पैदा करती है। क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये मैसेज डिलीवर करना कि हर बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, कुछ अपनी बात भी रखनी चाहिए। और जैसे कि अगर आप इतना ज़्यादा हाँ करेंगे तो आपको जो चीज़ आप नहीं भी आपके लिए फिजिबल है वो भी आप करना शुरू हो जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।